Morning students, today we will revise chapter 19 and 20. First, chapter 19, data handling first, representation of data. इसमें data को representation करना सिखाया जाता है जो कि एक tabular base पर होता है. ये सभी जो data handling है ये statistics का एक part है. Statistics जो कि science की एक branch होती है जिसमें जो कलेक्शन किया जाता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, इंटरप्रेशन होता है. वो किसका होता है बेटा? सब न्यूमेरिकल डाटा का. इसके बाद डाटा क्या होता है? डाटा मींस जो भी चीज का आप इंफॉर्मेशन कलेक्शन कर रहे हो वो एक नंबर में होगा, एक न्यूमेरिकल फिगर में होगा, उसी को ही हम डाटा कहते हैं. द वर्ड डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर. इसके बाद आता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन. फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब कि कोई काम आपने कितनी बार किया. जैसे मान लीजिए आप गेम खेलते हैं, तो जब गेम खेलते समय आप डाइस को डालते हैं, तो जब डाइस को डालते हैं तो आप देखते हो कभी आपका 1 आता है, कभी आपका 2 आता है, कभी आपका 4, कभी 5, कभी 3. तो ये कितने टाइम आया? तो देखिए ये तो आपका क्या हो गया? डाटा. अब ये डाटा और फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे 1 कितने टाइम आपको, जब आप गेम खेल रहे थे तो उस बीच में डाइस में 1 कितने टाइम आया, 2 कितने टाइम आया, 4 कितने टाइम आया, तो यही फ्रीक्वेंसी कहलाती है. तो द नंबर ऑफ टाइम ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑकर इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन. समझ आ गया होगा ना कि ये नंबर ऑफ टाइम कितनी बार आपका ये ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हो कि 1 कितने बार है, 2 कितनी बार आया, वही सब फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन कहलाता है. नाउ वी विल डिस्कस दिस थ्रू दिस एग्जाम्पल. नाउ एग्जाम्पल इज 1, ए डाइस वाज थ्रोन एंड द फॉलोइंग आउटकम वर नोटेड. यानी कि जब आपने डाइस फेंकी तो वो उसमें जो नंबर्स है वो कितने टाइम आया. जैसे कि देखो फर्स्ट टाइम 4, फिर 3, फिर 3, फिर 2 एंड 5, 4, 6. तो ये सब इस तरह से देखो आप, तो ये कितने बार आ रहे हैं. तो ये आपको अब हम एक टेबुलर फॉर्म बनाएंगे जिसमें कि हम टेली मार्क के द्वारा इसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो रिप्रेजेंट अबाउट डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ टेक सॉल्यूशन. वी मे रिप्रेजेंट द डाटा एज शोन बिलो. यानी कि जो हमने डाटा था, देखो बेटा उसमें आपने देखा डाइज में 1 to 6 नंबर होता है, तो आउटकम्स क्या है? 1 to 6 है. अब 1 कितने टाइम है? 3 टाइम. ये हमने कैसे पता लगाया? यहाँ पर हम 1 को देखेंगे. देखिए कितने टाइम आया, 1, 2 and 3. इसके पहले बेटा आपको ये देखना होगा, इन सभी डाटा को पहले आपको असेंडिंग फॉर्म में या डिसेंडिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, जिसको हम एरे कहते हैं. ये भी मैंने आपको समझाया था. यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है, आप पहले ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर आपको डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो देखिए 1 कितने टाइम है, 1, 2 and 3. तो देखिए यहाँ पर ये 3 टाइम आपका दिया हुआ है. ठीक इसी तरह से तो नंबर ऑफ आउटकम्स 3. ओके इन्हें हम बार कहते हैं, ये टेली मार्क्स हैं. इसके बाद 2 कितने टाइम आया, वो आप उस तरह से पीछे काउंट कर लेंगे. तो ये कितने टाइम हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 को इस तरह से आप क्रॉस नहीं करेंगे, ये 5 टाइम होता है बेटा, और ये एक 6, ये 6 हो गया. ठीक है इसके बाद 3. अच्छा हाँ, आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैडम ने तो ऐसे सिखाया था 1, 2, 3, 4, 5, और 5 को ऐसे किया था. वैसे भी कर सकते हैं, और आप ऐसे इनको क्रॉस करके एक बंच भी बना सकते हैं. दोनों तरह से ये सही है, ये गलत नहीं होगा. इसके बाद देखिए 3 कितने टाइम आया, 5 and 4, 9 टाइम. 4 कितने टाइम आया, 5 and 2, 7 टाइम. 5 कितने टाइम आया, 2 टाइम. तो इस तरह से ये 2, 6, 3 टाइम, तो 3. तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया, 3. तो इस तरह से आप देखो, आप ऐसे तो बड़ा कंफ्यूज हो जाते, बार बार गिनते रहते, और अगर हम इस तरह से टेबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम डाटा को रिप्रेजेंट करना हमारे लिए आसान हो जाता. तो यही डाटा हैंडलिंग है
अब नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 20। नाउ चैप्टर 20 डाटा हैंडलिंग सेकंड पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ यानी जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है, पिक यानी पिक्चर, टुगेदर विद ग्राफ यानी कि जिसमें पिक्चर के द्वारा हम ग्राफ बनाएंगे। जैसा कि हमने उसमें टेली मार्क्स यूज़ किया था, इसमें हम टेली के जगह पिक्स को यूज़ करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा बाय द यूजिंग द पिक्चर सिंबल इज कॉल्ड द पिक्टोग्राफ। तो ये अब आपको यहाँ से समझ आ गया। अब इसको मैं थ्रू एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाने जा रही हूँ। नाउ एग्जाम्पल वन, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शो द नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय ए कंपनी ड्यूरिंग ए वीक। दिस इज द स्केल, वन कंप्यूटर इक्वल टू 6 कंप्यूटर। जो वन पिक है इसका इक्वल मतलब 6, यानी एक कंप्यूटर के बराबर 6 कंप्यूटर उन्होंने सोल्ड किया। ठीक है, अब मंडे को देखिए, ये नंबर ऑफ डेज है और मंडे को उस कंपनी ने कितने सोल्ड किए, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 नहीं किए, यहाँ वन पिक यानी कितना है, 6 कंप्यूटर। तो 5 को आप क्या करेंगे बेटा, पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यह कितना हो गया, 30। देन ट्यूसडे को 1, 2, 3 को फिर देना आप 6 से करेंगे, 18, यानी 18 कंप्यूटर उन्होंने सोल्ड किए। इसके बाद वेडनेसडे को कितना, 2, तो 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। थर्सडे को कितना किया, 7, तो 7 मल्टीप्लाई 6 42। एंड फ्राइडे को किया आपका 4 मल्टीप्लाई 6 24, और सैटरडे को 1 यानी कि 6, 1 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 6। तो अब आप देखिए, इस तरह से आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि किस दिन कितना उन्होंने सॉल्व किया है। तो अब आप इजीली इन क्वेश्चनों का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंटरप्रेट द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। फर्स्ट है, हाउ मेनी कंप्यूटर वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे के दिन कितने कंप्यूटर बेचे गए, तो आप इजीली देखिए बेटा पता लगा सकते हैं, हाउ मेनी देर आर सोल्ड, 24, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखिए आंसर किस तरह से लिखेंगे, द नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड ऑन फ्राइडे 4, 6 are 24, है ना। अब सेकंड क्या है, हाउ मेनी कंप्यूटर वर सोल्ड ऑन मंडे। तो मंडे के दिन कितना था, नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड ऑन मंडे 5 था ना, तो 5 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 30। ओके, द नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड ड्यूरिंग द वीक, पूरे वीक में कितने हुए। तो चाहे तो आप ऐसे कंप्यूटर वो भी लिख सकते हैं कि कितनी पिक्चर है, जैसे 5, 3, 2, 7, 4, 1, और सबको 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या जैसा कि हमने फाइंड आउट कर लिया है, आप सबको लिख के टोटल भी यहाँ कर सकते हैं, तब भी आपका 132 ही होगा। नाउ 4, ऑन विच डे वॉज द स्केल मैक्सिमम, मतलब सबसे ज़्यादा किस दिन सेल हुई। तो ये क्लियर है, द सेल वॉज मैक्सिमम ऑन थर्सडे। ओके, क्योंकि सबसे ज़्यादा कितने थे, 42 उसी दिन थे ना, तो इसलिए थर्सडे को सबसे ज़्यादा सोल्ड हुआ। तो अब आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से आपको और भी एग्जाम्पल जो हैं और जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको आपको फिर से रिवीजन करना है। जय हिंद।